अगर आप भी उन आशावादी लोगों में से हैं जो इस बार उम्मीद कर रहे थे कि गुरु वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा, तो मैं आपको बता दें कि छोड़ दीजिए सपना, क्योंकि ये सपना सिर्फ सपने में अच्छा लगता है, हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता राबता नहीं है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं होगा। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो आखिरी बार टेस्ट मैच था वो साल 2007 में हुआ था बैंगलोर में। उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान ने बवाल कर दिया। 2008 में मुंबई में जो घटना घटित हुई उसके इंडिया ने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया, तो बायलेटरल सीरीज खत्म हो गई। इसके बाद जब जब हम मिले तब वर्ल्ड कप में मिलते थे और वर्ल्ड कप के मैचेस को लेकर हम एक्साइटेड होते थे, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान मना नहीं कर सकता। बीच बीच में कई बार एशिया कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम मिलते रहे, लेकिन टेस्ट मैचेस में 2007 के बाद इंडिया पाकिस्तान नहीं मिले। और इसीलिए इस बार लोग उम्मीद लगाए थे कि भाई दो बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, एक बार फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की, एक बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। इस बार लोग कह रहे थे कि इस बार जो मुकाबला हो वो इंडिया पाकिस्तान का हो, लेकिन पाकिस्तान के लक्षण देखकर बड़ा मुश्किल है कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान हो सकता है, चांसेस ना के बराबर है। शान मसूद भले ही कह रहे हो कि भैया वी हैव टू लुक आवर पोजिशन इन WTC, We would like to play the final this time, लेकिन वो है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और ये फैक्ट्स पर कह रहे हैं। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को हराया तो पाकिस्तान नीचे से टॉप कर गया, दो नंबर का टॉपर है। इंडिया नंबर एक टॉपर है, पाकिस्तान नंबर दो टॉपर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इंडिया ऊपर से नंबर वन है और पाकिस्तान नंबर दो पर है, लेकिन नीचे से, और इसी वजह से पाकिस्तान के चांसेस ना के बराबर है। रही सही कसर जो थी वो स्लो ओवर रेट ने लगा दी। कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा, 6 पॉइंट पाकिस्तान के और गए, और इसी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। टोटल 9 टीम है जिसमें से पाकिस्तान की पोजीशन 8वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार की वजह से और बॉटम पर चला गया, इंडिया टॉप पर है। और अगर आप बांग्लादेश के सामने आपकी हालत ये है तो फिर बाकी बड़ी टीमों के सामने क्या होगा वो हम कल्पना कर सकते हैं। पिछली बार इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पीट कर रख दिया था। पाकिस्तान में इंग्लैंड ने आकर एक दिन में 500 रन बना दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने जब पाकिस्तान गई थी खेलने तो यही शान मसूद थे जिन्हें कप्तानी में 3-0 से हार गए थे। पाकिस्तान T20 में फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक टीम थी, हालांकि इस बार अमेरिका से भी वो हार गए, लेकिन ODI और टेस्ट मैचेस में बिल्कुल खत्म हो गई उनकी टीम। उनके अपने कोच कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तमीज से गेंदबाजी नहीं है जो 8 विकेट निकाल सके। और जहां तक बात है बल्लेबाजों की, तो बड़े बड़े नामों को हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। खैर, स्टार्ट के जरिए आपको समझाते हैं कहानी क्या चल रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो फिलहाल इंडिया टॉप पर है, 68 पॉइंट इंडिया के पास है, जिसमें इंडिया ने 6 मैच जीते हैं, 2 हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच जीते हैं लेकिन 3 मैच हारी है, वो नंबर 2 पर है। न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, 3 हारे हुए हैं। इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेल खेलकर 7 मैच खेलती है, 7 जीतती है, 6 हार जाती है, जिसमें से 4 मैच तो इंडिया ने हरा दिए उसे। श्रीलंका ने 2 जीते 3 हारे, बांग्लादेश ने 2 जीते 3 हारे, साउथ अफ्रीका ने 2 जीते 3 हारे, पाकिस्तान ने 2 जीते और 4 मैच हारे। और आपको जानकर हैरानी हुई कि 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने लगातार 4 मैच हारे। अब पाकिस्तान और इंडिया के अगर आप पॉइंट्स टेबल में डिफरेंस देखेंगे तो इंडिया 68 पॉइंट समथिंग है, पाकिस्तान 30 पे है। यानी पाकिस्तान अगर डबल भी कर दिया जाए तो भी इंडिया के पास नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में WTC फाइनल पहुंचना, इंडिया के साथ खेलना लगभग ख्वाब देखने जैसा है। और जिस तरह से बांग्लादेश ने उन्हें हराया है, पाकिस्तान के लक्षण बिल्कुल नहीं लग रहे कि यहां से होगा। हाँ, यहां से कुछ अगर चमत्कार हो जाता है तो कहानी अलग हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चमत्कार भी जो आगे सीरीज है वो मुश्किल लगाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश वो जीतने वाले चांसेस थे। बांग्लादेश ने 1 मैच हरा दिया, 1 मैच बाकी है। बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड आएगी 3 मैच की सीरीज खेलने, पिछली बार इंग्लैंड आई थी, दे वेर रूथलेस। फिर साउथ अफ्रीका से अगेन आर रूथलेस टीम, फिर उन्हें जीतने का मौका मिल सकता है वेस्ट इंडीज के साथ, हालांकि वेस्ट इंडीज भी इन दिनों अच्छा खेल रही है। ये पाकिस्तानी कहानी है, 23 साल में पहली बार बांग्लादेश ने सीरीज जीती, 10 विकेट से पहली बार पाकिस्तान की सरजमी पर उनकी हार हुई।
दैट डिफाइंस ही कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पाकिस्तान की। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल लगभग लगभग नामुमकिन सा इस बार में।